हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जी डी एस सोनी, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर सरे ग्रुप। मैं अज फिर थोड़े सारे लिए एक वीडियो लेके आया, और ये वीडियो स्पेशल थोड़े सारे की डिमांड पर बना रहा हैगा। तुसी बहुत सारे जाने मैं टैलीग्राम चैनल पर फोन करके वट्सअप से यू बार बार पिछले दो तीन दिन तो पूछ रहे थे, सर सानू दसो जी ये प्रिपरेशन जी पी पी एस सी की है किदा होएगी, एग्जाम किदा जो है वह क्रैक होएगा। तो वो मैं एक वीडियो लेके आया है, सक्सैस मंत्रा फॉर पी पी एस सी जेई और एस डी एग्जाम, कि तुसी ये एग्जाम जो है वो कि सक्सैस जी पा सकते हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने फ्रेंड्स नाल भी इन्हें जरूर शेयर करो, सो दैट थोड़े नाल थोड़े जो फ्रेंड्स ने वो भी इस वीडियो तो जो बेनीफिट है वो लै सकन। सो आओ जरा देर ना करते हुए इस वीडियो को अगे वधाने हैं और जानते हैं कि कितना सक्सैस मंत्र जो तो शेयर करने वाला है, जिन्होंने तुम फॉलो करके अपना पी पी एस सी जेई और एस जी का एग्जाम है वो 101% मैं श्योर हाँ तुम इस पेपर को जो है क्वालीफाई कर लोगे। सो सारे ना पहला जी मैं थोड़े कमी देख रहा है सारे बच्चों में वो ये हैगी है सैल्फ कॉन्फिडेंस। थोड़े सारे में इस टाइम से सैल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप ही नहीं हो पा रहा, और मैं एक गल समझ नहीं आ पा रही कि थोड़े से सैल्फ कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है। इस वे 1000+ वैकेंसी जी है ने वो आ चुकी ने, अराउंड 700 to 800 वैकेंसी जी है ने वो पी पी एस सी जेई दी आ चुकी ने, 100 to 200 वैकेंसी जी है ने वो पी पी एस सी एस जी ने आलरेडी अनाउंस कर चुके हैं मकैनिकल सिविल इलैक्ट्रीकल। बट तुसी हजे भी पता नहीं क्यों अपने मन के अंदर डर लैके बैठे हुए हो कि साडा पेपर पता नहीं क्वालीफाई होएगा नहीं होएगा। एक तुसी जिहड़ा फीस सबमिट नहीं हो रही वो गल नूं लैके तुसी पता नहीं क्यों परेशान हो रखे हो, वो भाई फीस सबमिट नहीं हो रही हैगी तो पी पी एस सी ने आप होल्ड किया होया है, नहीं फीस सबमिट हो रही। पी पी एस सी ने ही नोटिफिकेशन जारी किया सीगा कि ये पर्टिकुलर डेट तक जी है फीस जमा होनी है, अगर उस तो पहले उन्होंने पोर्टल बंद करता डेफिनेटली जो पोर्टल रिज्यूम करेंगे तो वो जो फीस जी है पर टाइम भी देंगे। इदा की गल नहीं हैगी कि पी पी एस सी ने जो फीस वो बंद करती और थोड़ा टाइम निकल गया हूँ पी पी एस सी कहेगी जी हूँ तो फीस नहीं लैनी हैगी। कोई दसो कि तुम्हें तो बंदा जानता है जिन्होंने तुम पैसे देना चाहते हो और कहेगा नहीं मैं तो पैसे लेने नहीं है, समझ रहे मेरी गल, इदा की कोई गल नहीं हैगी। सो तुसी ये गल जी है ध्यान में रखो, फीस थोड़ी जमा हो जानी है, तुसी अपना जो कॉन्फिडेंस है उन्होंने बिल्डअप करो और इस कॉन्फिडेंस में जो है प्रेपरेशन की तरफ जो लैके जाओ। तो शायद हजे भी लग रहा है कि यह पेपर जो सा निकलना नहीं है, पहला इरीगेशन आप करवाता सगा, पी डबल्यू डी अपना कराता सगा, पुड्डा अपना एग्जाम कराता सगा, एग्जाम पता नहीं ईजी हों कि हों, हूँ पी पी एस सी बहुत एग्जाम डिफिकल्ट पाएगा, बहुत सारे बच्चे टैलीग्राम से कमेंट करते रहने ने पी पी एस सी एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होंगे, इंटरव्यू बहुत डिफिकल्ट होंगे, पढ़ के कोई फायदा नहीं है, पढ़ के क्या मिलना है। मेरी गल सुनो, ये 1000 वैकेंसियां जिहड़ियां तुहानू हुण दिख रही ने ये बार बार मौका नहीं मिलना है, ये मेला थोड़े वास्ते लग्या है नौकरियों का, तो ये नौकरी लै लो तो ये लिए पढ़ना अज तो अज स्टार्ट कर लो। जिहड़ा तुसी ये सोचे जा रहे हो डेली अपना टाइम कढ़ते जा रहे हो ये सोच के कि भाई पता नहीं मेरा पेपर निकलेगा नहीं निकलेगा, मैं तैयारी करा ना करा, पढ़ना स्टार्ट करा कि ना करा, अगर तुसी पढ़ना है तुहानू कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही तो इंजीनियर्स करियर ग्रुप के ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सिज दोनों चल रहे हैं। ऑफलाइन कोर्स सिर्फ चंडीगढ़ भी चल रहा है, ऑनलाइन कोर्स तुम अपने घरों भी कर सकते हो, तो साढ़े नाल भी जुड़ सकते हैं अगर तुहानू कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही हैगी। ऑनलाइन और क्लासरूम कोर्स की कोई भी जानकारी तो साढ़े हेल्पलाइन नंबर 9855 7544 से जुड़ के अपनी पूरी जानकारी जी तुम लै सकते हो, और नए कोर्स जो हमने रीसेंट अनाउंस उन्होंने ज्वाइन कर सकते हैं। सैकेंड जो पॉइंट हैगा कि तुम सैल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने बाद जोड़ा अथेंटिक कंटेंट हैगा वो पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज क्या होंगे आप कोई भी एक रैंडम बुक चक के कुछ भी करके आपको क्वेश्चन मार्क करना जो है स्टार्ट कर दें। ये गल जरूर हैगी है कि जोड़ा पेपर पहले थापर बनाना सगा उस तो पेपर थोड़े अच्छे लैवल का जोड़ा है वो पी पी एस सी जरूर बनाएगा। सो और कोई भी इदा की मार्केट बुक चक के ऑबजैक्टिव बुक चक के उन्होंने सोल्व करना ना अन्यवंग सोल्व करना शुरू कर दो, थोड़ा कुछ नहीं बनना है। इसलिए तो अथेंटिक जोड़ा कंटेंट है वो पढ़ना बहुत जरूरी है, अथेंटिक कंटेंट इंजीनियर्स करियर ग्रुप एक इंस्टीट्यूट है पूरे पंजाब जिन्हें थोड़े लिए स्पैशल मेहनत करके थोड़े लिए कंटेंट जोड़ा है एज पर जो सिलेबस है वो अकॉर्डिंग डेवलप किया है। जो अगर तुम घर सैल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो मैं तुम्हें यह जरूर रिकमेंड कराँगा साडा जो कंटेंट है जरूर जो है वो प्रैक्टिस करो, उस जो क्वेश्चन पाए हुए हैं और तुहाडे पी पी एस सी एग्जाम जोड़ा हूँ इस बार होएगा वो जो एक्सपैक्टेड क्वेश्चन ने सारे आप अपने मटीरियल में जो है कवर कर रहे हैं। थर्ड जो पॉइंट है वह हैगा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। कॉन्फिडेंस तुम बिल्डअप कर लिया, प्रैक्टिस स्टडी मिले तो अथेंटिक तुम लै लिया, उसे प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर तुम रैगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पॉसीबल ही नहीं है कि पी पी एस सी जेई और एस जी का एग्जाम जो है क्वालीफाई कर लो। तुम नॉलेज जिनी मर्जी होवे
ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰ ਸਿਲੇਬਸ ਸਾਰਾ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 1000 ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.engineeringgroup.in ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਪੂਰੀ ਅਥੈਂਟਿਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼, ਜਿਹਦੇ PPSC JEE ਔਰ SG ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ PPSC JEE ਔਰ SG ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ, ਮੋਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਔਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 101% ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.engineeringsir.in ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਫਰਦਰ ਸਾਡੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9855-75-2424 ਤੇ 9855-75-2424 ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ, ਸਿਰਫ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰਫ 4-5 ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਰੱਟੇ ਮਾਰ ਲਾਂਗਾ, ਪੇਪਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਿੰਸੇਅਰਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਕੁਆਟ ਆਫ ਤਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਬਟ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਔਰ ਕਰਨਾ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੋ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ, ਆਫਲਾਈਨ ਕੋਰਸ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਕੋਰਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9855-75-442 ਦੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।